मुइज़्ज़िज़ सामईन हज़रात की खिदमत में गोल्डन आई टू पेश करते हैं नाना का प्यारा रन में लूट लिया की बेहद कामयाबी के बाद बहुत ही खूबसूरत वाकया जिसका उनवान है बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन। फनकार हैं आसिफ सुल्तानी बदायूनी। इसको लिखा है हिंदुस्तान के मशहूर शायर आली जनाब खुर्शीद रसूलवी साहब ने। म्यूजिक के फ़राइज़ अंजाम दिए हैं जनाब महमूद खान साहब ने। तो लीजिए पेश कर रहे हैं बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन। मंजर जहां उतरते हैं सदाकतों के पयंबर जहां उतरते हैं मैं उस जमीन की अजमत पे नाज करता हूँ शहादतों के लिए सर जहां उतरते हैं। मक्तल में टुकड़े टुकड़े इब्ने अली का लाशा बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन। बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन लाशे पड़े मक्तल में बेगोरो कफन। लाशे पड़े मक्तल में बेगोरो कफन बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन। बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन लाशे पड़े मक्तल में बेगोरो कफन बिखरा ज़मीं पे मुस्तफ़ा का चमन। रेती पर पड़े नाजुक बदन है नबी की आल बेगोरो कफन। शाहे वाला की शहादत हो गई खून में डूबी थी करबल की जमीन।
ظالموں کا ظلم تھا حد سے بڑا, تھر تھراتی تھی زمین کربلا, ہر طرف لاشیں ہی لاشیں تھے پڑے, گھوڑوں کی ٹاپوں سے وہ پامال تھے, خاک پر بکھرے ہوئے جنت کے پھول, کربلا کے دشت میں جانے رسول, جو نبی نے کی وہ محنت لوٹ لی, فاطمہ صحرا کی دولت لوٹ لی, ہو گئے دین محمد پر فدا, کربلا میں اہل بیت مصطفیٰ, مرد میں باقی بچے سجاد ہیں, سہ رہے وہ ظلم کی افتاد ہیں, نظر آتش ہو گئے خیمے تمام, صبح کو قیدی ہوئے عابد امام, دیکھ کر منظر فضا گھبرا تڑپائے گئے, خون کی بارش میں نہلائے گئے, بچوں کے تھے باپ کے سائے گئے, کس طرح شہدا یہ دفنائے گئے, اہل دل دل تھام کر اس کو سنیں, کچھ قبیلہ اسد کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے آئیں یہاں, دیکھ لاشیں ہو گئیں فوراً رواں, سب خواتین گئیں واپس وہ گھر, نہر سے پانی بھرا پھر جلد تل, ان خواتینوں نے مردوں سے کہا, نہر پہ دیکھا ایک ہم نے ماجرا, ہر طرف لاشیں پڑے ہیں بے شمار, کر گئے پامال ان کو بدشیار, زندگی سے ہو گئے آزاد ہیں, وہ رسول اللہ کی اولاد ہیں, مرد بولے ہم نہ جائیں گے وہاں, ہم کو بھی دینا پڑے گی اپنی جان,
छोरा जीनी पे मुस्तफा का चमन, छोरा जीनी पे मुस्तफा का चमन। लाशें पड़े मक्तल में बेगोरों कफन, लाशें पड़े मक्तल में बेगोरों कफन। खवातीनों ने मर्दों से कहा, डर नहीं हमको किसी मलऊन का, आ रही तुमको जरा गैरत नहीं, क्या रसूल अल्लाह की उम्मत नहीं। मौत आना है हमें एक दिन हश्र में, हमसे ये पूछेंगे हुजूर, शर्म से गर्दन उठाना पाओगे, मुस्तफा को कैसे मुंह दिखलाओगे। ये लो पहनो चूड़ियां घर में रहो, मौत से डरते हो कुछ गैरत करो, जाके हम लाशों को अब दफनाएंगे। फैज आले मुस्तफा से पाएंगे, किस कदर नजदीक है अल्लाह के, वो नवासे हैं रसूल अल्लाह के। फातिमा जहरा को क्या दोगे जवाब, आपसे पूछा गया यौमे हिसाब। नार के हकदार तुम हो जाओगे, वक्त है वरना बहुत पछताओगे। इब्ने हैदर खुल्द के सर रोने लगे।
में डूबे होश हो खोने लगे। शाम के लश्कर ने ढाया है सितम, सर किए हैं इनकी गर्दन से कलम। किस तरह पहचान हम इनकी करें, देख कर लाशों सब आही भरी। उड़ रहे ये देख कर होशो खिरद, कश्मकश में था अभी लाए असद। कर दिए लाशे सभी पामाल हैं, शेर के बेटे नबी की आल हैं। इस तरह पहचान हो सकती नहीं, कौन है इनमें हुसैन इब्ने अली। है पड़े मजलूम बेगोरो कफन, एक गड्ढा खोद के कर दो दफन। कर रहे आपस में थे ये मशवरा, कर रहे आपस में थे ये मशवरा। नौजवान घोड़े पे एक आते दिखा, बिखरा ज़मीन पे मुस्तफा का चमन। आगे सुनो ये करामत पेश आई मोमिनो। आप दे बीमार थे आली जनाब, अपने चेहरे पर वो डाले थे नकाब। फिर पड़ी सपने जनाजे की नमाज, इस फरीजे से हुए सब सरफराज। पूछा लोगों ने बताओ अपना राज, कौन हो बतलाइए अपना मिजाज। सैयद सज्जाद ने उनसे कहा, मैं हुसैन इब्ने अली का लाडला, नाम मेरा सैयद सज्जाद है। करने आया आपकी इमदाद है, लाश की पहचान करवाऊंगा मैं। दफन करवा कर इन्हें जाऊंगा मैं, जिस्म के टुकड़े जमा करने लगे। ये जमीनों आसमां रोने लगे, कर दिया अकबर के टुकड़ों को जमा, कर दिया अकबर के टुकड़ों को जमा। कह रहा शब्बीर का था नूरे ऐन, कह रहा शब्बीर का था नूरे ऐन। देख लो ये
गए मक्तल में अब बाकी शहीद, दफन उनको भी करेंगे ये मजीद। एक गड्ढे में इन्हें दफना दिया, बैठ कर फिर दूर रहे पाता पड़ा। मिल गया गंजे शहीदा का लकब, इस जगह से पैस पाते आज तब। लाशे शब्बीर दफनाने लगे, आबिदे बीमार फरमाने लगे। भाई है अकबर मेरा असगर मेरा, बाबा के पहलू में तू मदफन बना। जो कहा सज्जाद ने वैसा हुआ, सबकी शिरकत से इन्हें दफना दिया। अब कबीला ये असद कहने लगा, एक बूढ़े शख्स का लाशा पड़ा। कौन है देखो चलो प्यारे इमाम, थे हबीबे इब्ने मजहर नेक नाम। जुल्म जालिम ने किए इन पर शदीद, बुजुर्गी में हो गए ये भी शहीद। दोस्त थे बाबा के और है जानिसार, दोस्त थे बाबा के और है जानिसार। इनसे राजी हो गया परवरदिगार, बिकरा जीनी पे मुस्तफा का चमन, दफन करके वो गए फारिग तमाम। फातहा पढ़कर ये फरमाते इमाम, एक लाशा और है दफनाइए, फिर तुम अपने अपने घर को जाइए। ये सुना आबिद से लोगों ने कहा, कौन है दफनाने को बतलाओ जरा। बोले आबिद नहर की जानिब चलो, है चचा अब्बास चल कर देख लो। जब चले दरिया की जानिब क्या हुआ, रास्ते में एक कटा बाजू मिला। वो उठाया आबिदे बीमार ने, काटा था ये जुल्म की तलवार ने। दूसरा बाजू भी आखिर मिल गया, आबिदे बीमार का दिल हिल गया। लाश गाजी का तराई में पड़ा,
देख कर आबिद को लरसा आ गया। दोनों बाजू लाश में शामिल किए, दफन कर प्यारे चचा को चल दिए। मुस्तफा का चमन बिखरा देनी पे मुस्तफा।